उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुड़की पहुंचे के, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया के। बड़ी खबर और महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें, इस दौरान मुख्यमंत्री ने बीजेपी के जिला कार्यालय का पूजा पाठ के साथ शिलान्यास किया। बीजेपी का जिला कार्यालय 9 महीने में बनकर तैयार होगा। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, आज लंबे समय बाद बीजेपी कार्यालय का भूमि पूजन शिलान्यास हुआ है। उन्होंने कहा, बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, जिसने भारत के गौरव को बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा, भाजपा संगठन नेता नहीं बल्कि विचारधारा बड़ी होती है। बीजेपी पूरी दुनिया का सबसे बड़ा दल बन चुका है। हम सब लोगों को उत्तराखंड राज्य मिला, उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। हमारा संगठन शायद विश्व का एकमात्र संगठन है जहां पर नेता महत्वपूर्ण नहीं होता है, बल्कि विचारधारा और पार्टी महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि यदि आज हमारी पार्टी विश्व के सबसे बड़े संगठन के रूप में अपनी यश पताका को संपूर्ण विश्व में फहरा रही है, आज पूरे भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कोई राजनीतिक दल है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जिसमें हम सब लोग काम करते हैं। और इसके पीछे करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं का श्रद्धा, समर्पण और कड़ी मेहनत है। भारतीय जनता पार्टी एकलौता एक सा राजनीतिक दल है, जिसने राष्ट्र की सेवा, राष्ट्र उत्थान, सांस्कृतिक संवर्धन और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण, जिसके लिए हमेशा सर्वोपरि रहा है, जिसके लिए देश हमेशा पहले रहा है, हमेशा हमारा एक ध्येय रहा है। और हर इसी ध्येय को मानते हुए हमारे एक एक कार्यकर्ता ने, आज करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता इसी ध्येय को आगे लड़ रहे, लेकर बढ़ रहे हैं कि राष्ट्र प्रथम, संगठन द्वितीय और व्यक्ति अंतिम का सिद्धांत, इसको मानते हुए सब आगे बढ़ रहे हैं। अपनी इसी वैचारिक प्रतिबद्धता के दम पर हमारी पार्टी आज उत्कर्ष के नए आयाम छू रही है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जहां कटक से लेकर कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से लेकर लद्दाख तक, एक छोर से दूसरे छोर तक, उत्तर से लेकर पूरा पूरब से लेकर पश्चिम तक लगातार भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हो रहा है। आज शायद भारत का एकमात्र संगठन भारतीय जनता पार्टी है, जिसका बूथ अध्यक्ष से लेकर पन्ना प्रमुख तक एक एक कार्यकर्ता रात दिन मेहनत कर रहा है।